हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। एक्सेस में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी लिखी हुई है और इसे मैंने प्राइमरी की बनाया है और अलग अलग सैलरी की बात की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी की सैलरी 25,000, 22,000, 25,000, 26,000, 20,000, 23,000 ऐसे करके बहुत सारे लोगों की सैलरीज हैं। अभी तो ये 19-20 रिकॉर्ड ही है हमारे पास, लेकिन जब ज्यादा ये बढ़ जाता है और अमाउंट इम्प्लॉयज के ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, आज के इस वीडियो में यही सिखाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देता हूँ। ये जो टेबल बनी हुई है, टेबल वन के नाम से है ये, और यहाँ एक क्वेरी बना लेते हैं। तो क्वेरी कैसे बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा क्वेरी डिजाइन। तो ये क्वेरी डिजाइन पे क्लिक कर दिया है और ये जो टेबल है ना, इस टेबल को लेके आना है यहाँ पर, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे और इन सब को ड्रैग करके यहाँ लाएंगे। ला दिया। अब क्या करना, यहाँ क्राइटेरिया में जाना। ये देख लीजिए, ये जो सैलरी है इसके नीचे ये क्राइटेरिया बनी हुई है। तो क्राइटेरिया में आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कितना, 15,000 या 25,000 करते हैं, 25,000। तो ये कर दिया ग्रेटर देन 25,000। क्राइटेरिया में केवल इतना ही लिखा है, ग्रेटर देन 25,000। और अब यहां से रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करते ही जो लोग 25,000 से अधिक सैलरी पा रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों की डिटेल आएगी। अब इम्प्लॉय आईडी 6 है, 6 है, 9 है, 10 है, 11 है, 19 है, 20 है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो फिर यहां से जाइए और वापस से डिजाइन व्यू पे इसे ले लीजिए और यहां पर आप चेंजेस कर लीजिए, जो भी चेंजेस करने हो। जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रेटर देन 26,000 आए, तो 26,000 से जो ग्रेटर होगा उन्हीं की सैलरी आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहां पे देख लीजिए, ये लोग सिर्फ 26,000 से ग्रेटर ही है, कम नहीं है, ठीक है। अगर आप कम वाला चाहते हैं तो कम वाला भी हो जाएगा। कैसे होगा, यहां पर आपको खाली ये शाइन को उल्टा कर देना है। अब जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि लेस देन, यहां पे करते हैं लेस देन 23,000 कर देते हैं, लेस देन 23,000। और ये निशान जो बना हुआ है ना, इसको लेस देन करेंगे, लेस देन, तो ये हो जाएगा लेस देन, ठीक है, लेस देन 23,000। तो बस अब लेस देन 23,000 वाले ही रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेरी बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेरी आपको समझ में आई होगी।